जस्ट नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमें हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड। एग्जिट पोल्स, एक्चुअली आई डिडंट वॉन्ट टू टच दिस सब्जेक्ट बट सिंस यू आर आस्किंग, एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से, एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहां हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम इज कम दैट द एसोसिएशंस बॉडीज विच गवर्न विल डू सम सेल्फ रेगुलेशन। बिकॉज इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई, सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्प्लेजर में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमें हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इन टू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9:10, 9:05 से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक, 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया, प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन 9:00 से 9:10 से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 9:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग, तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग, दिस कैन लीड टू सीरियस इश्यूज समटाइम्स, इवन द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड अचीवमेंट इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन। सो ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब जब इस देश में, जब जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है, तो सभी रेस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट।